नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल हेयर एंड केयर विविंग पॉइंट रायपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट के बारे में। आपका अगर बाल झड़ चुका है, आप गंजेपन से परेशान हैं, आपके बाल हेयर स्टाइल आपको नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में आप नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक घंटे का समय देना पड़ता है और एक घंटे में हम वहां पर बाल लगा सकते हैं। बाल जो हम लगाएंगे वो बिल्कुल नॉन सर्जिकल होगा, साइड के बाल आपका ओरिजिनल होगा और आपके ओरिजिनल बालों के साथ ये मिक्स हो जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, देखने में 100% नेचुरल लगेगा। तो हेयर रिप्लेसमेंट, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट हम क्या करते हैं, जो हिस्सा आपका खाली रहता है उस हिस्से का हम लोग इस तरह से नेट तैयार करते हैं। इस नेट के अंदर बालों का फिलअप है, इसी को हम आपके किनारे वाले बालों के साथ अटैच करते हैं। किनारे वाले बालों के साथ अटैच करने के बाद आपके किनारे वाले बालों के हिसाब से, आपके हेयर स्टाइल के हिसाब से, या जैसे आप स्टाइल बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी स्टाइल बना सकते हैं। कहीं से भी किसी को भी ये फील ही नहीं हो पाएगा कि आप नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं। आप इसके कहीं से भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारी क्वालिटी आता है, जैसे ये वाली जो क्वालिटी है इसमें बिल्कुल आपका स्किन जैसा दिखेगा। कहीं से भी किसी को भी ऐसा समझ में नहीं आएगा कि आप कहीं से हेयर पैच यूज़ कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से ये होता है नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से करा सकते हैं, आप जो भी स्टाइल बनाना चाहें, जैसे स्टाइल बनाना चाहते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप गंजेपन से परेशान हैं तो आप नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट में जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक घंटे का समय देना पड़ता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के गंजेपन को छुपाइए और बाल को लगाइए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त हेयर एंड केयर विविंग पॉइंट में बैठा हूँ। मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना था और मेरे भी गंजापन की समस्या थी, मेरे सर पे बाल कम थे तो मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट महसूस करता था, एक अच्छा फीलिंग नहीं होती, मेरा पर्सनालिटी भी इससे प्रभावित होती थी। तो मैं आज हेयर एंड केयर में आया हूँ और आपको सच बताऊँ तो एक घंटा पहले मुझे आईना के सामने आने में शर्म आती थी, अब मुझे गर्व महसूस हो रहा है।